शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार के लिए निकल रहे हैं, पटना साहिब उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। हम जानना चाहेंगे कि कैसा प्रचार चल रहा है आपका पटना साहिब में इस बार? बहुत अपनापन के साथ, बहुत ही जोश है, उमंग है, उत्साह है ज़बरदस्त, ना सिर्फ समर्थकों और प्रशंसकों के बीच बल्कि पटना साहब की जनता जनार्दन में, अपने क्षेत्र के जितने लोग हैं, हमारा बिहार परिवार है, वो बहुत ही प्यार और अपनापन के साथ भरपूर समर्थन दे रहा है। ये पटना साहिब तो कोई नया है नहीं आपके लिए, दो बार आप लड़ चुके हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, परिस्थितियाँ लेकिन बदली हुई है पहले से। पहले आप बीजेपी से थे, आज कांग्रेस से हैं, तो क्या मतलब क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है आपको? देखिए, वो तो मैंने जैसा कहा था, मैंने अपने वचन की रक्षा की, मैं तो वचनबद्ध था, वचन दिया था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। तो जाहिर है थोड़ी परिस्थितियां बदली हैं, इन द सेंस कि हम एक नए वेशभूषा के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, एक नई दिशा में गए हैं, मगर सही दिशा में गया हूँ। एक भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो महात्मा गांधी की पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी, मौलाना आज़ाद की पार्टी, मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी, राहुल गांधी, राजीव गांधी की पार्टी, ऐसे बहुत बड़े विद्वानों की, देशभक्तों की पार्टी है, उस पार्टी में आया। और देशभक्त जब कह रहा हूँ तो ये वो पार्टी है जो राष्ट्रवाद के लिए, आज जो राष्ट्रवाद का एक सूडो राष्ट्रवाद जो आजकल कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा अगर राष्ट्रवाद के मामले में किसी ने कंट्रीब्यूट किया देश का, जब 1971 का जो वॉर हुआ था, आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो कांग्रेस ने दिया था। तो आज उनके साथ आया हूँ तो एक पब्लिक में उमंग है, जोश है, दो बातों के लिए, एक तो सही दिशा में गया और दूसरा लोगों ने मुझे देखा था कि किस तरह से यहाँ पे लोग मुझको अपना पुराना परिवार, अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुझे यहाँ के लोगों से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए जो मैं कहता हूँ, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्हीं बातों की वजह से सही और नई दिशा में मुझे आना पड़ा और आया मैं यहाँ पे। तो ये जब ट्रांसपेरेंसी है, ये सच्चाई के साथ जहाँ पारदर्शिता है, ना मेरे सिर्फ चरित्र में बल्कि मेरे कथन में भी हर तरफ, तो इसका बहुत उत्साह में और उमंग में लोगों की कमी नहीं आई। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ, अगर अतिशयोक्ति ना हो, विनम्रता के साथ, कि पहले के मुकाबले और ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी, रेस्पेक्टेबिलिटी और पॉपुलरिटी देख रहा हूँ। बहुत कम कम क्या, कोई भी नहीं है बीजेपी में, जिस तरह से आपने चुनौती दी, प्रधानमंत्री को चुनौती दी और उसके बाद आप कांग्रेस में आए और यहाँ से आप अपना, लेकिन पटना एक सुरक्षित सीट माना जाता है बीजेपी के लिए खासतौर पर। ये भी मैं समझता हूँ एक कुछ लोगों के जरिए प्रचार तंत्र का हिस्सा है, वो सुरक्षित सीट और तथाकथित सुरक्षित सीट को सुरक्षित करने में कुछ थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है। बिल्कुल, जिस ज़माने की बात करते हैं कि 2009 से ये भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा, तो उनको याद होना चाहिए कि 2009 से तो मैं ही यहाँ पे हूँ, जनता और बिहार परिवार के आशीर्वाद से। और उसके पहले अगर आप बात करें पटना में, कहते हैं प्रचार तंत्र की कोई और नहीं, इसके पहले हमारे दोस्त रामकृपाल यादव भी जीत चुके हैं यहाँ से, कम्युनिस्ट भी जीत चुकी हैं, और लोग भी जीत चुके हैं यहाँ पर। तो अब ये जो है आज की घड़ी में ये देखना कि अगर जो मैंने बातें की वहाँ पे, आपने कहा प्रधानमंत्री के सामने शायद इतने नतमस्तक हो गए बाकी सारे एमपीज़, घुटने टेक दिए, नोटबंदी के ख़िलाफ़ भी, जीएसटी के ख़िलाफ़ भी, चाहे जितनी बातें हुई उनके वादे खिलाफी के ख़िलाफ़ भी, मैंने अगर बात की और मैंने बातें उठाई, नज़रों में नज़रें डाल के बात की माननीय प्रधानमंत्री से, तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, मैंने यहीं की जनता जनार्दन और देश की जनता के लिए किया, मैंने किसानों के लिए किया, मैंने रोज़गार के लिए ये बात की तो नौजवानों के लिए किया, मैंने वादा खिलाफी किए तो कहीं और भी जा सकते थे लड़ने, कहीं और भी जा सकता था, मुझे कई जगह से लोगों ने ऑफ़र भी दिया था, सर्व दल प्रिय होने के नाते या सर्व जाति, सर्व जात, सर्व धर्म प्रिय होने के नाते कई लोग चाह रहे थे मैं यहाँ से भी लड़ूँ, साउथ से लड़ूँ, बंगाल से लड़ूँ, लेकिन हमने कहा नहीं, यहाँ पर हम अपने पटना के प्रति समर्पित हैं और समर्पण की भावना से मैं कह चुका हूँ कि पटना साहब सीट मेरी पहली चॉइस है, दूसरी चॉइस है, आखिरी चॉइस है, यहीं के लोगों के लिए, यहीं के नौजवानों के लिए, यहीं के स्टूडेंट्स के लिए, यहीं के अपने परिवार के लिए मैं पटना में ही रहूँगा। और मुझे लगता है बिहार परिवार के और पटना की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम सब मिलकर
एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर पाएंगे इस बार। आपका मुकाबला जिससे रविशंकर प्रसाद, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो उनकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो एक सम्भ्रांत व्यक्ति हैं, उनको बंगाली में कहता हूँ भद्र लोग हैं, और एक अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं उनको फैमिली फ्रेंड मानता हूँ, तो इसलिए उनके बारे में कुछ कहने का नहीं। फ्रेंड के बीच में पॉलिटिकल, पॉलिटिकली तो पब्लिक फैसला करेगी। उन्होंने ठीक कहा था, रविशंकर जी ने ठीक कहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अब हम तो इश्यूज पे जा रहे हैं। अगर हमने बहुत कुछ काम किए हैं बिहार में, पटना में, चाहे एम्स का मामला हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज का मामला हो, गाय घाट में जेटी या धोवा पुल का मामला हो, बहुत सारे जो काम किए कंस्ट्रक्टिव, चाहे हमारा ये हीमोफीलिया अस्पताल का मामला हो, सार्क कंट्री में दूसरा, बिहार हिंदुस्तान में पहला, बहुत सारे सपने अब अधूरे हैं। अभी हमें स्टूडेंट्स के बारे में बहुत कुछ करना है, पटना यूनिवर्सिटी और बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत कुछ करना है। आज तक क्यों इतना पैरामीटर्स का मजबूत नहीं हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला इनको? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4-5 यूनिवर्सिटी को है, लेकिन बिहार में तो शायद एक को भी नहीं है। तो इन सब के लिए करना है, हमें अपने जो हैव नॉट्स हैं उनके लिए हमें पूरी कोशिश करनी है और सपनों को साकार करना, इसलिए सामने आ गया। एक चीज़ और देखने को मिल रही है इस चुनाव में कि ना आप रविशंकर प्रसाद पर कुछ बोल रहे हैं, ना वो आप पर बोल रहे हैं, आप बीजेपी पर बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पर बोल रहे हैं। इसे शालीनता कहते हैं, और मैं समझता हूँ पूरे देश को एक सबक लेना चाहिए। आज के दिन में जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री महामिलावट कहते हैं, या प्रधानमंत्री की भाषा में भी महागिरावट दिखाई पड़ रही है, वहीं एक पटना है बिहार की राजधानी, जहाँ जब जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, दो मित्र ही लड़ रहे हैं, अलग अलग रास्ते से लड़ रहे हैं, शायद दोनों की मंजिल एक है और दोनों का फैसला जो है पटना की जनता जनार्दन करेगी, लेकिन इस शालीनता को देखना चाहिए कि भाषा का, शब्दों का चयन, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। भाषा के गिरावट दोनों तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, मैं ही नहीं, मैं कुछ ममता बनर्जी भी जो बोल रही है, अरे बट शुरुआत किसने की, 9 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कितने गर्लफ्रेंड, क्या क्या, वो देश के प्रधानमंत्री एक रोल मॉडल ना भी हो तो रोल मॉडल हो सकते हैं, वो देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक बने। इतनी ज़बरदस्त हम लोगों ने अग्रेसिव मार्केटिंग करवाई शुरू में, और बीच में जो नारे लगवाए मोदी 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 जो आज तक चल रहा है, ये सब जो कंडक्टेड रिसर्च कोरियोग्राफ मामला हमने किया कि हम चाहते थे देश को एक बड़ा डैशिंग डायनेमिक और एक्शन हीरो प्राइम मिनिस्टर मिले, जिनको मैं हमेशा कहता था हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो वो बाकी कोई करे, आप खुद ही कहते हैं टू रॉन्ग डजंट मेक अ राइट, अब वो गलत कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि भाषा की गिरावट और पब्लिक प्लेटफॉर्म से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि पी लिया है विश्व का प्याला? नहीं नहीं, विश्व का प्याला यानी कि जनता के आशीर्वाद पे, जनता के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, इसलिए विश्व का प्याला का मतलब वो ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर जो लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल में आ गए, उन लोगों के लिए कहा मैंने कि चलो अगर आप कहते हो कि इस बार ये हो, सीट किसी और की थी और ऐसा है, तो मैंने तो विश्व का प्याला पी लिया, उनके लिए कहा, और मैंने अपने आप को लोगों के सामने छोड़ दिया, अपने वृहद परिवार के सामने, बिहार की बिहार परिवार के सामने, और पटना की जनता जनार्दन के सामने। राहुल गांधी भी आ रहे हैं 16 को, सुना है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी तो यूथ आइकॉन है, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर है, एक साल अध्यक्ष बनने के अंदर 3 प्रदेश को, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को हासिल किए, और गुजरात में उनके घर में, उनके गढ़ में उन लोगों को नाको चने चबवा दिए कि 100 पार नहीं जाने दिया, और कर्नाटका में सब लोगों के नहीं चाहने के बावजूद भी अपनी और अपने लोगों की सरकार बनवा ली। तो मैं समझता हूँ ये तो ज़बरदस्त है, सल्यूट टू राहुल गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की कितनी क्षमता है, और कितना आपको लगता है कि मतलब बन पाएंगे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन क्षमता की बात है तो क्षमता तो ज़रूर है, काबिल है, क्यों नहीं काबिल है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन तो नहीं है, मोदी जी के पास कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री थे, जहाँ संख्या बल मिलता है, आपको संख्या बल मिलता है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूँ, बशर्ते कि हमारे पास वो संख्या बल होना चाहिए। अब चुनाव के बाद ये सब बातें करेंगे और सब लोग मिलजुल के आपस में तय कर लेंगे संख्या बल किसके पास है, तमाम
पार्टियों का, गठबंधन का, महागठबंधन का, विपक्ष का भरपूर समर्थन किसके साथ है उसके आधार पर बनेंगे। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, वो तो दुनिया को जाहिर हो चुका है कि ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। अब ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल के बारे में अब और क्या कहना, सूरज को चिराग दिखाने के बाद। अंत में एक चीज़ कहेंगे कि खामोश जो आप बोलते हैं, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अब पटना खामोश नहीं रहेगा। मैं तो समझता हूँ पटना बिहार के राज्य में खुद चाहता हूँ पटना खामोश ना रहे। क्यों खामोश थे ये लोग जब मैं आवाज़ बुलंद कर रहा था, स्तुति गान में लगे हुए थे? इनका मैंने इनके किसी खास पर नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे रूलिंग पार्टी के हमारे मित्रगण, क्यों क्यों देश के खिलाफ? आप हमेशा जानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कोई नहीं होता। तो देश हित में, राष्ट्र हित में लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते थे? तो ये अच्छी बात है अगर रविशंकर जी हमारे फैमिली फ्रेंड ने कहा है तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। खामोश नहीं रहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, न्याय की मांग करनी चाहिए, और देश के साथ चलना चाहिए, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, और सबको जो विरोध करे उनको कह देना चाहिए खामोश। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।